नमस्कार, आप देख रहे हैं पंजाब केसरी टीवी। मैं हूं आपके साथ विकास मैल और इस समय मौजूद है करनाल के सेक्टर 12 के जिला सचिवालय के बाहर पार्क में, जहां पर आप देख सकते हैं कि हजारों की संख्या में जो मजदूर हैं वो एकत्रित हुए हैं, अपनी मांगों को लेकर लगातार विरोध प्रदर्शन वो करते हुए नजर आ रहे हैं। जो अनाज मंडी के जो सभी मजदूर हैं यहाँ पर एकत्रित हुए हैं, अपनी मांगों को लेकर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। साफ तौर पर कहना है कि जो कल से जो धान की खरीद शुरू होगी और उससे पहले जो मजदूर हड़ताल पर गए हैं, हर साल जो मजदूर हड़ताल पर जाते हैं क्योंकि उनकी मांग है मजदूरी को लेकर, जिस प्रकार से उनकी मजदूरी को कम किया गया उसी को लेकर वो इस हड़ताल पर गए। आप देख सकते हैं कि राष्ट्रीय हित औद्योगिक मजदूर अलग अलग बैनरों के नीचे जो जितने भी मजदूर अनाज मंडी के मजदूर संगठन हैं वो सभी यहाँ पर एकत्रित हुए हैं और करनाल के उपायुक्त निशांत कुमार यादव को ज्ञापन देने के लिए यहाँ पर पहुँचे हुए नज़र आ रहे हैं। हज़ारों की संख्या में जो कि यहाँ पर मजदूर हैं, पहले ही जो आढ़तियों की तरफ से भी हालांकि एक आह्वान किया गया था कि, लेकिन जो पहले पिछले साल देखा गया था कि व्यापारी और जो आढ़तियाँ हड़ताल पर गए थे, लेकिन इस बार जो मजदूर हैं वो हड़ताल पर जाते हुए नज़र आ रहे हैं। हालांकि पिछले साल इन्हें आश्वासन दे दिया गया था, लेकिन इस बार इनकी मजदूरी घटाकर कम कर दी गई है, 12 रुपये से लगभग 9 रुपये कुछ पैसे कर दी गई है। कुछ मजदूर भी हमारे साथ मौजूद है, उनसे भी जानने का प्रयास करेंगे कहाँ से आए हैं, किस लिए हड़ताल कर रहे हैं। करनाल के लिए गुरुंडा से। हाँ, क्या मांग है? मजदूर का मांग है 15 रुपये 20 पैसे। पहले कितनी मिल रही थी? पहले तो मिल रहा था 11 रुपये 20 पैसे, अब कम कर दिया, 4 रुपये 20 पैसे। तो कल से खरीद है तो आप मजदूरी बढ़ेगा तब तो तब करोगे ना? तब करोगे, इतना हड़ताल पर रहेंगे। हाँ, इसीलिए हड़ताल पर। डीसी के पास पहुँचे हैं? डीसी के पास बोल रही है। तो आप देख सकते हैं कि जो हड़ताल है जो मजदूरों की तरफ से की गई है, जो 4 रुपये लगभग उनकी मजदूरी जो कम कर दी गई है उसी को लेकर ये विरोध प्रदर्शन यहाँ पर किया जा रहा। हालांकि करनाल के उपायुक्त से मिलने के लिए यहाँ पर पहुँचे और पार्क में सेक्टर 12 के बाहर पार्क में एकत्रित हुए नज़र आ रहे हैं। हजारों की संख्या में जो कि मजदूर है यहाँ पर एकत्रित हुए हैं। कहीं ना कहीं लगातार जो धरने प्रदर्शन है करनाल में देखने का जरूर मिल रहा है, क्योंकि जिस प्रकार से पहले किसान अपनी मांगों को लेकर यहाँ पर विरोध प्रदर्शन करते हुए नज़र आ रहे हैं, वहीं मजदूर भी अब अपनी मांगों को लेकर यहाँ पर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। लाइव तस्वीरें आप करनाल की पार्क से देख रहे हैं, जहाँ पर जो काफ़ी संख्या में जो मजदूर है यहाँ पर पहुँचे हुए नज़र आ रहे हैं। जो और मजदूर संगठनों से जुड़े लोग हैं उनसे भी हम बातचीत करने का प्रयास करेंगे। फिलहाल ये लाइव तस्वीरें आप देख रहे हैं कि किस तरह से हजारों की संख्या में यहाँ पर मजदूर एकत्रित हैं। वही छोड़ी भाई, कोई ऐसी बात हमारी सामने नहीं है। मजबूरन होके हम आज करनाल में जो है डीसी साहब के आगे प्रदर्शन करने के लिए मजबूर हैं। कल से धान की बिक्री स्टार्ट हो रही है, कल से 1 तारीख से गवर्नमेंट का जो धान है और कल से वो परचेज होगा और हम लोग जो है अपना, जब तक सरकार नहीं मांग पूरी करेगी हम लोग अपना काम बंद करके ही बैठेंगे। तो फिलहाल उपायुक्त से मिलेंगे अभी, क्या कहेंगे आज? कहा तो है आ रहे हैं, यहीं पर आ रहे हैं, यहीं पे आ रहे हैं, कहा है आप लोग वहाँ पहुँचिए, हम आ रहे हैं वहाँ पे। मांग हमारा यही है जो पिछले साल जो मजदूरी था उससे हमें बढ़ाकर मजदूरी दिया जाए, अन्यथा हमारा कम करके ना दें। पिछले बार कितनी थी विरोध? पिछले बार हमारा जो है 12 रुपये 4 पैसे मजदूरी था, 72 पैसे बोरी जो है, बीच में कनक के सीजन में बढ़ गया था, जो कि हमें मार्केट कमेटी द्वारा या डीसी साहब के द्वारा कोई हमें जानकारी नहीं आया, इस करके हम लोग को 12 रुपये 4 पैसे ही मजदूरी मिला था। हमें इस चीज का परिणाम कितनी है? 15 रुपये बोरा मिला, 15 रुपये। बिल्कुल हड़ताल कर रहे हैं आढ़ती किसान और हम, बिल्कुल एक साथ हैं। जब हम किसान का समर्थन कर सकते हैं, आर्थिक समर्थन कर सकते हैं, तो वो दोनों क्यों नहीं करेंगे? माल अनाज मंडी में रहिए, सभी मंडियों में, ऑल हरियाणा पूरा प्रदेश में। तो आप देख सकते हैं पूरा हरियाणा की मंडियों में इसी प्रकार से हड़ताल जो उनकी तरफ से रहेगी और उसी को लेकर यहाँ पर यह विरोध प्रदर्शन किया गया। तो लाइव तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं कि किस तरह से जो यहाँ पर जो हड़ताल पर जो फिलहाल मजदूर चले गए हैं और जो अपनी मांगों को लेकर यहाँ पर विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। तो वहीं दूसरी तरफ आपको दिखाना चाहेंगे कि पार्क में मजदूर जो अपना
समय व्यतीत जरूर करते हुए नजर आ रहे हैं और झूलों का आनंद यहाँ पर लेते हुए नजर आ रहे हैं। उनसे बातचीत करने का प्रयास करें, किस लिए हड़ताल पर? रेट कम कर दी गई है ना, तो नहीं बढ़ाएंगे तो ऐसे ही मजे करेंगे आज पार्क में ही। तो आप देख सकते हैं कि अपनी मांगों को लेकर लगातार मजदूर प्रदर्शन करते हुए नजर आ रहे हैं। वहीं अगर आप देख सकते हैं कि मजदूर अब पार्क में आनंद लेते हुए नजर जरूर आ रहे हैं, क्योंकि काम की मजदूरी तो उन्हें सरकार की तरफ से कम कर दी गई है, लेकिन जो मजदूरी उनकी बढ़ाई नहीं जा रही, तो आज पार्क में वो यहाँ पर पहुंचे एकत्रित हुए हैं और यहाँ पर जो आप देख सकते हैं कि आनंद लेते हुए आराम से लेते हुए नजर जरूर आ रहे हैं। उनका साफ तौर पर कहना है कि अगर जो मांगे नहीं मानी गई तो इसी प्रकार से हड़ताल पर रहेंगे, वो भी कोई कामकाज नहीं करेंगे, क्योंकि इन मजदूरों के बल पर ही जो किसान की फसल है वो बिकती है और उसके बाद जो सरकार के पास धान जाता है, और इसी के अगर यही कड़ी कमजोर रहेगी तो कहीं ना कहीं दिक्कतों का सामना जरूर करना पड़ेगा। और ये लाइव तस्वीरें आप करनाल के सेक्टर 12 से देख रहे हैं, जहां पर मजदूर अपनी मांगों को लेकर विरोध प्रदर्शन करते हुए नजर आ रहे हैं। करनाल से विकास महला, पंजाब के श्री टीवी करनाल।